हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप घर बैठे फ्री में वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताया जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे वोटर आईडी लिख के टाइप करना है। तो सबसे पहले वाली वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसमें बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से। तो मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन हो जाए तो आपको रजिस्टर न्यू इलेक्शन इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फॉरम 6 पे क्लिक करना है। नए मतदाता की सूची के रूप में आवेदन इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है और आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है और जो असेंबली है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम और सरनेम टाइप करना है। फिर उसके नीचे नेम ऑफ रिलेटिव में आपको पिता या पति दोनों में से एक की डिटेल भर लेनी है। फिर टाइप ऑफ रिलेशन में आपको टाइप करना है कि वो क्या लगते हैं उनके। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करने हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दे वरना नहीं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर आपको आधार नंबर टाइप करने हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे ब्राउज करे पे आपको आधार कार्ड JPG के अंदर स्कैन करके रख लेना है। वो 50 KB से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप करना है, जैसा एड्रेस हो वे एड्रेस भर दें इसके अंदर। तो मैं जल्दी से एड्रेस भर देता हूँ। ये बिल्कुल फ्री प्रोसेस है, इसके अंदर आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। फिर आपको यहाँ फिर से आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फिर से आधार कार्ड अपलोड कर देना है। तो ये अपलोड फोटोग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो जिसकी भी आप वोटर आईडी बना रहे हो उसकी आप फ़ोटो अपलोड कर दें। पहले ब्राउज करें पे क्लिक करें, फिर फ़ोटो सिलेक्ट करें, ओपन करें। फिर आपको इसको एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पे गेट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको जिसकी वोटर आईडी बनी हुई है परिवार के अंदर उसकी डिटेल भरनी है। तो आपको किसी एक की वोटर आईडी इसमें नंबर डालना ज़रूरी है। तो आप किसी का भी डाल सकते हो, अपने पिता माता या फिर भाई बहन या दोस्त, किसी का भी डाल सकते हो। फिर आप यहाँ पर आपको वोटर आईडी नंबर लिखने हैं। फिर आपको वापस से विलेज टाउन लिखा हुआ है इसके अंदर वापस से एड्रेस लिखना है। फिर स्टेट सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पर डेट लिखनी है, वापस से डेट ऑफ बर्थ ही फिल कर देना या फिर जो वो रेसिडेंट वहाँ पे कितने वर्षों से रह रहा है वो आपको डेट डालनी इसके अंदर। प्लेस के अंदर वापस से गांव लिख दें। फिर कैप्चा फिल करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे डिटेल चेक कर लेनी है, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ये ट्रैक नंबर कॉपी करके रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आप इससे ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी वोटर आईडी बनी है नहीं बनी है, अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय।